Hello guys, my name is Anish Singh Thakur and I am today making a video on a topic that I don't like myself. Paper trading. क्या होती paper? Paper trading क्या होती? Paper trading क्या होता है भाई ये? मैं बताता हूँ आपको, explain करता हूँ क्या होता है. मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने कभी की भी नहीं है. But as I see in upcoming future, as India's youth, 50% youth below 25. बहुत सारे लोग 18 के होने वाले, 16, 17, 18, 19, 20 जो घुसने वाले हैं. क्यों? आप कल सुबह उठकर ट्रैवल कंपनी नहीं खोल सकते, कल सुबह उठकर डॉक्टर बन के ऑपरेशन नहीं कर सकते, कल सुबह उठकर इंजीनियर बन के बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन कल सुबह उठकर अपना पैन कार्ड आधार कार्ड देके ज़ीरोधा में अकाउंट जरूर खोल सकते हो. इधर उधर की बात सुन के, इसकी टिप सुन के, उसकी टिप सुन के, फालतू के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ट्रेड भी मार सकते हो और टोटल लॉस कर सकते हो और फिर गाली बकते हो मार्केट को. 90% पीपल लूज मनी इन द मार्केट बिकॉज दे जस्ट वेक अप, ओपन अकाउंट इन ज़ीरो था, जस्ट डू इट लाइक दैट. सो आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट, बट इसीलिए आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी सो दैट यू हैव सम एक्सपीरियंस. बट मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताने वाला हूं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. बट आई वांट यू टू डेफिनेटली ओपन अकाउंट इन ज़ीरोधा. अकाउंट ओपन करना है ज़ीरोधा में. आई विल गिव यू टू लिंक्स टुडे, एक ज़ीरोधा का कि यहां से अकाउंट ओपन कर सकते और ट्रेडिंग व्यू का जहां से पेपर ट्रेडिंग कर सकते. तो चलो स्किप करते सारी बातों को, रीस्टार्ट करते वीडियो को. सो व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग? पेपर ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग द रियल मार्केट रियल टाइम बट विथ फेक मनी. अभी फेक मनी कौन देगा मैं बताता हूं. दो तीन तरीके होते हैं, बहुत रिसर्च किया मैंने, मेरी टीम ने. कोई भी अच्छा पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मुझे नहीं लगता इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ऐसा मिलता है. तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आपको क्या करना है. अच्छा, क्यों करना है पेपर ट्रेडिंग? ताकि आप रियल अपनी स्ट्रैटेजीज कुछ बैक टेस्ट कर पाओ, रियल इंडिकेटर्स बैक टेस्ट कर पाओ, रियल प्राइस एक्शन. देखो क्या होता है ना, स्टडी करना बैक टेस्ट की, हाँ यहां बाय करता हूं, यहां सेल करता हूं, बट सच में एंट्री लेकर के वो जो चार कैंडल थी 15 मिनट की, मतलब कि एक घंटे, वो एक घंटे आपने कुछ स्टूपिड तो नहीं किया, आपको डर लगा क्या, एंग्जाइटी आई क्या, ये सारे इमोशन चेक करना बहुत जरूरी होता है. फॉर दैट यू नीड टू हैव सम रियल एक्सपीरियंस. देखो टोटली नए हो मार्केट में, सीधे ना पैसा लगाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, लॉस ही होगा. लॉस तो होगा ही. देखो इनिशियली लॉस क्यों होता है, टू एक्सप्लेन यू कि अब से ये नहीं करना है. 100 गलतियां करता है एक पर्सन, उन सारी गलतियों को सॉल्व करने के लिए रियल एक्सपीरियंस चाहिए. तो मैं चाहता हूं पेपर ट्रेडिंग से लें. तो क्या होता है, समझ में आ गया आपको? अगर आपको दिख रहा है हाँ यहां पे मेरा, यहां पे एक मेरा ये 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले गया है, डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक मेरा अभी ऐसे ऊपर जाएगा, तो आपने बाय किया और बाय किया कुछ. अभी देखो प्रॉब्लम क्या है पेपर ट्रेडिंग से, कि पेपर ट्रेडिंग में दो प्रॉब्लम है. पहला, अनलिमिटेड कैपिटल. दूसरा, रिवर्स इमोशंस. ओके, लेट्स टॉक. ओके, बिफोर वी गो अहेड आई वुड लाइक टू टेक यू टू द स्क्रीन. दिस इज tradingview.com. ठीक है, tradingview.com पे यहां पे आपको आना है. ये स्क्रीन तो आपको मालूम है कैसे आना है, मैंने ट्रेडिंग व्यू पे वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो. ये नीचे वाले पैनल पे क्लिक करना है. ठीक है, यहां पे स्टॉक स्क्रीनर, टेक्स्ट नोट्स, पाइन एडिटर, बहुत सारी चीजें हैं. ट्रेडिंग पैनल पे आना है. अभी चूज योर ब्रोकर वो पूछ रहा है. एक्चुअली ये रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी ऐड हो सकता है इसमें. इसमें रियल ब्रोकर भी ऐड हो सकता है. अगर आपका capital.com, FXCM, ये क्या है, ये सारे ब्रोकर्स फॉरेक्स के हैं, हमारे इंडियन मार्केट तो है नहीं, तो आप कनेक्ट कर सकते हो. आपको कनेक्ट करना है पेपर ट्रेडिंग, इसको कनेक्ट करो. जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी. ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑर्डर हिस्ट्री, अकाउंट हिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें. अब ये एक्टिव हो गया, आपको शायद कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी. मैंने ऑलरेडी अपना यूजर नेम सेट कर रखा है, तो ये तो मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए किया था. अब क्या हो सकता है,
अभी जैसे कोई लाइव मार्केट खोलता हूं मैं, जैसे इस वक्त तो रात काफी रात का 4:45 बज रहा है इंडिया में और यहाँ पे 3:30 बज गए, फॉरेक्स मार्केट भी बंद हो गया, नहीं खुला होगा, बीटीसी बस खुला हुआ है, बाकी सारे मार्केट्स बंद हो गए क्योंकि फ्राइडे नाइट है आज। तो ये रहा बीटीसी, अभी यहाँ पे आते हैं मार्केट मूव। अगर मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रेड करने को, ट्रेड किया मैंने, ट्रेड पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लेट मी क्लिक ऑन ट्रेड, ट्रेड सेल या बाय, मुझे एक मिनट, लेट से कि यहाँ पे अगर मार्केट को सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट है, मैं बाय कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं बस एक वैसे भी बस देखने के लिए, लेट मी ट्रेड, क्रिएट अ न्यू ऑर्डर, जैसे ही क्रिएट अ न्यू ऑर्डर किया, ये रहा सेल, ये रहा बाय, ये रही क्वांटिटी। अब आप यहाँ पे एक भी लिख सकते हो, एक बिटकॉइन $30,000 का है, 33,000 का, 10 भी कर सकते हो $300,000, 100 भी कर सकते हो, आपके पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग लगभग $100,000 मिलते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी, अच्छा चलो बाय, अभी टारगेट भी सेट कर सकते हो यहाँ पे, कितने पिप्स बाद में समझाऊंगा क्या है, मतलब इंडियन मनी में आपको प्राइस सेट करना है कि इतने प्राइस का मेरा टारगेट है, कि जब ये 35,000 का हो जाए तो मेरा टारगेट सेट कर दें, और स्टॉप लॉस लगाना है तो 33,000 का हो जाए तो मेरे को आप ट्रेड से बाहर निकाल दो, ठीक है, ओके। और आपने बिटकॉइन एक रखा, रिस्क रिवॉर्ड देखो, 1% रिस्क है और रिस्क इतना ज्यादा, एनीवेज छोड़ो वो सब, अभी हम इसको बाय पे क्लिक करते हैं, ऑर्डर सेंड, ऑर्डर प्लेस हो गया, देखो हो गया ऑर्डर प्लेस आपका, बस खत्म बात। ये देखो अभी आपका यहां पे दिखाएगा एग्जैक्टली कि अभी आपको यहां दिखाएगा कि आपका करंट ऑर्डर है, पोजीशंस, ये पोजीशन है, बाय किया है हमने, अभी हमारा $87 प्रॉफिट हो चुका है इतनी देर में, $91 हो चुका है, हमने बाय किया, देखो मार्केट बढ़ रहा है ऊपर, देखो ये ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को, मार्केट ऊपर जा रहा है राइट नाउ, इफ द मार्केट गोज अप वी आर इन प्रॉफिट, सो लाइक दिस यू कैन ट्रेड, ओके। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन बंद करता हूं, आई होप मैंने समझा दिया, इसको छोड़ के और कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर है नहीं अभी, क्या इसमें इतना सारा, लेकिन फिर भी देख रहे हो कितना कुछ तमाशा ये वो करे, आपके पास एक और ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सिंपल कॉपी उठाएं, लिखें 34074 पे मैंने बाय किया बिटकॉइन, एक बीटीसी मैंने बाय किया और मेरा टारगेट है 34 इतना इतना, और पेपर पे लिख दिया, और बाद में जो रिजल्ट हुआ पेपर में लिख दिया। पेपर ट्रेडिंग को पेपर की पेपर पे भी कर सकते हो, जरूरत नहीं कोई फैंसी सॉफ्टवेयर की, कोई जरूरत नहीं आपको इस सॉफ्टवेयर को देखने की, आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। तो दो तरीके बता दिए पेपर ट्रेडिंग करने के, इससे क्या होगा, आप क्या अभी $120 का प्रॉफिट हो गया है, तो मैं देख रहा हूं अभी कितनी देर हुई है, एक मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे इमोशंस, मेरा मन कर रहा है देखने का, हो क्या रहा है, जबकि असली पैसा भी नहीं है। तो इससे क्या रियल एक्सपीरियंस मिलता है, अगर ये ट्रेड मेरे को 3 दिन होल्ड करना है तो 3 दिन होल्ड करने की क्या मेरी कैपेसिटी की, इसमें छेड़छाड़ कर रहा हूं, राइट क्लिक करके एग्जिट कर रहा हूं, क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये सब ही मेन चीज होती है ट्रेडर की, ट्रेड मैनेजमेंट पे वर्क करना, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो दो तरीके बता दिए, सॉफ्टवेयर वाला और पेपर वाला। नाउ द प्रॉब्लम्स विद पेपर ट्रेडिंग, अनलिमिटेड कैपिटल। क्या होता है कि इंसान को $1,00,000 मिल जाता है तो रैंडम वो 1 करोड़ की 5 लाख का ऐसी खरीद लिए, 3 लाख का SBI खरीद लिया, 1 करोड़ का रिलायंस खरीद लिया, अनलिमिटेड पैसा है और कर रहे हैं कुछ भी, बस कर रहे हैं। पहली बात, इससे आप पूरा बर्बाद करके कैपिटल मैनेजमेंट। तो आपको मैं अगेंस्ट हूं इसके, फिर भी बोल रहा हूं आप कर सकते हो, आपको दो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल तो ये है, मतलब ये दो चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला ये है कि आपको कैपिटल, अगर आप अपनी ट्रेडिंग, लेट से आप 1 साल बाद ट्रेड करना चाहते हो या 6 महीने बाद ट्रेड करना चाहते हो, तो 1 साल बाद 6 महीने बाद जितने भी रुपीज के साथ चालू करने वाले थे, लेट से 10,000 के साथ स्टार्ट करने वाले थे या 25,000 के साथ स्टार्ट करने वाले थे या 1 लाख या 5 लाख, तो आपको उतने ही अमाउंट को अपने डेमो अकाउंट में डालना है। तो आप नहीं ले सकते 5 लाख का SBI, आपसे 5,000 का SBI लोगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि अनलिमिटेड पैसा है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी आप 3,000 के SBI बाय करते हो जबकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये आपको करना पड़ेगा, ये गलती होती सारे बिगनर जिन्होंने किया, आपको आप अग्री करोगे मेरी बात से, यही करता है हर कोई, तो रैंडम सेट हो जाता है माइंड में। तो आपको पहला राइट कैपिटल, दूसरा रिवर्स इमोशंस। क्या होता है, दिस वर्ल्ड works on the concept of pain and pleasure. Paper trading करी, Bitcoin है, profit हो गया, बुरा लग रहा है यार, क्यों बुरा लग रहा है, काश असली पैसे लगा देता। And when you make loss, red, अरे बढ़िया हुआ ना, अरे क्या बढ़िया हुआ साला, loss हो गया ना, अच्छा असली पैसे नहीं लगाए थे,
क्या किया आपने, आपको लॉस में प्लेजर मिल रहा है और प्रॉफिट में पेन मिल रहा है, रिवर्स हो गया। एंड आई एम टेलिंग यू आफ्टर थ्री इयर्स ऑफ ट्रेडिंग, रियल मनी ट्रेडिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी, हाउ यू टेक एंट्रीज, हाउ यू मैनेज एंट्रीज, हाउ लॉन्ग यू मैनेज एंट्रीज, हाउ लॉन्ग यू होल्ड विनर्स, हाउ फास्ट यू कट लूजर्स एंड ऑल दिस। तो साइकोलॉजी में ही, और बेस ही आपका फाउंडेशन घटिया तरीके से चालू होगा तो याद रखना है आपको राइट क्वांटिटी उठाओगे और जब भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, यू विल बी इमोशनलेस, यू विल नॉट सेलिब्रेट अ लॉस और अ विन, यू विल बी न्यूट्रल ऑलवेज, यू आर जस्ट मेकिंग एक्सपीरियंसेस। तो ये दो चीज करोगे तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड यू कैन गेट रियल मार्केट फीलिंग विदाउट वेस्टिंग द टाइम। Once more important thing, if you want to then trade after 1 month, 2 months, you open an account in the best trading software platform in India. Okay? ट्रेडिंग व्यू में अगर इस वाले में अकाउंट खोलना है, मैं लिंक दे दूंगा सीधे, आप वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं, फ्री अकाउंट रहता है। और अगर रियल ट्रेड करना है तो Zerodha बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आई विल प्रोवाइड द लिंक, सबसे पहले मैं Zerodha की लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोलो और Zerodha ही बेस्ट है यार। मतलब ओवरऑल मैं खुद गाली दिया था Zerodha को जब हैंग हो गया था, बट उस दिन सारे के सारे ब्रोकर्स हैंग हो गए थे, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इंटरफेस बहुत अच्छा है, सारे यूथ को मजा आएगा, मोबाइल ऐप पे भी बढ़िया काम करता है और यहाँ भी बढ़िया काम करता है। बट बिल्कुल अकाउंट खोलो Zerodha में, 300-400 रुपए लगते हैं, शायद 500, मुझे नहीं पता कितने लगते हैं, लाइक नेग्लिजिबल मनी लगती है। एंड उसको फंड करके रख दो 5,000, ज्यादा 5-10,000, ट्रेड नहीं करोगे लेकिन आप, या तो मत करो, मैं तो बोलता हूँ फंडिंग भी, अभी अकाउंट बस खोल के रखो, एम बना लो 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल, ठीक है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो तब तक प्लीज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, प्रोटेक्ट योर इमोशंस एंड साइकोलॉजी, एंड प्लीज बी सीरियस अबाउट इवन वाइल डूइंग पेपर ट्रेडिंग। बस आप जितने भी पुराने लोगों ने लॉस किया मार्केट में, आप सब अग्री करोगे, अगर पेपर ट्रेडिंग किए तो रैंडम 1 करोड़ की क्वांटिटी उठाई, कुछ भी देखना भी छोड़ दिया, रैंडम हंस रहे हैं, लॉस हो गया तो खुश हो रहे हैं, ऐसा किया है। अगर आप सीरियसली करेंगे तो इवन पेपर ट्रेडिंग कैन बी क्वाइट यूजफुल। हालांकि मैंने नहीं किया है, मैंने तो गलत किया है, मैंने तो अपने रियल पैसे भी लूज किए स्टार्टिंग में मार्केट में, उसी से सीखा मैं, ठीक है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, जब पेपर ट्रेडिंग से रियल ट्रेडिंग में उतरोगे ना, बदल जाएगा सब कुछ, फिर नया करियर स्टार्ट होगा और हैवी इमोशंस झेलने पड़ेंगे। तो ठीक है, डायरेक्टली झेलने से अच्छा है ये झेल के ये झेलो, ज्यादा थोड़ा तो बेटरमेंट होगा, ओनली इफ यू फॉलो दीज टू रूल्स। ओके गाइस, सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो सिंस अ लॉट ऑफ डेज, तो आज मैंने बना दिया है। अगर अच्छा लगा और इस टाइप की और बेसिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स किस टाइप की चीजें चाहिए, और मजा आया तो प्लीज लाइक द वीडियो सो दैट मेरे को मालूम चले कितना लोगों को ये पसंद आया वीडियो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल द फेलो ट्रेडर्स। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।